Are you ready for the big match? बिल्कुल. So guys, welcome back to LT Vlogs. बहुत ही खतरनाक मौसम हो रहा है और बहुत ही खतरनाक माहौल हो रहा है क्योंकि आप देख सकते हैं हमें पीले अपने वस्त्रों में जिसपे ये लिखा है ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, तो आज ऑस्ट्रेलिया का पहला वर्ल्ड कप मैच है पर्थ में और वन एंड ओनली मैच है ऑस्ट्रेलिया का पर्थ में, इसलिए हमने कहा यार ये मिस नहीं कर सकते. ऑस्ट्रेलिया इज लाइक अ सेकंड होम, तो भाई वर्ल्ड कप है, श्रीलंका के साथ मैच है, बिग गेम हो सकता है, क्या पता ना भी हो, तो हमने कहा ये तो मिस कर नहीं सकते. तो अभी हम सीधा वहीं जा रहे हैं, वहां जाके वर्ल्ड कप की वाइब क्रिएट करेंगे. वैसे वाइब हमारी तो घर से क्रिएट हो रखी है, तो मैं काफी एक्साइटेड हूँ. आपके कुछ शब्द इसके ऊपर? मैं बस ये होप कर रहा हूँ कि भाई लास्ट टाइम की तरह ना ये कोई लो स्कोरिंग मैच ना जाए, कुछ चले जाए, कुछ 200-200 साइड टाइप का और ऑस्ट्रेलिया चेस डाउन कर दे, लाइक फुल चौके छक्के की बारिश हो जाए और कैच पकड़ लो, जीत के बॉलिंग कर ले पहले. ठीक है, और दो तीन कैच पकड़ लिया मैच में. आज की मैच की हाईलाइट ये है कि श्रीलंका अपना पहला मैच जीत चुकी है और ऑस्ट्रेलिया अपना पहला मैच हार चुकी है काफी बुरी तरीके से, अगर आपने न्यूजीलैंड से देखा होगा तो आई थिंक अगर श्रीलंका अपना सेकंड मैच आज जीत जाती है तो भाई ऑस्ट्रेलिया टेक्निकली वर्ल्ड कप से मेरे हिसाब से तो बाहर है क्योंकि इंग्लैंड के साथ भी मैच बचा है अभी, तो आज जीतना बहुत जरूरी है. तो पूरा सपोर्ट हम दोनों का सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को रहेगा आज, तो सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का सपोर्ट है एंड पूरी तरीके से होप करेंगे कि मैच जीत जाएंगे. बाकी कई वीडियो को पूरा एंड तक देखना, लाइक करते, सब्सक्राइब करते, बहुत मैटर, बहुत मैटर आपको, ऐसा नहीं चलेगा. और वहाँ पे एक्चुअली क्या स्टेडियम में जब लास्ट टाइम गए थे तो फैन जोन भी थे इतने, बट वर्ल्ड कप के अलग फैन जोन होंगे. मर्चेंडाइज शॉप हुई तो क्या तुम कैप उठाओगे ऑस्ट्रेलिया की? अगर येलो टी शर्ट तो हमने येलो कैप भी होनी चाहिए, येलो जूते मिले नहीं वरना पहन लेते. बट खैर अभी हम ट्रेन पकड़ने में तो सीधा चलते हैं. ठंड सी है थोड़ी, अभी तो जैकेट लेके आए थे हम, स्मार्ट है सोच के चलते. भाई लास्ट टाइम हम गए तो जैकेट लेके आया था बट भाई के साथ सैड हो गया था, ये जैकेट लाए नहीं थे और पूरे टाइम पे आते तुम्हारी कुल्फी बनी हुई थी, तो आज हम दोनों जैकेट लेके आए हैं. तो भाई मैच के एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा है कि मैच छोड़ने में पूरा एक घंटा है अभी और लोग अभी से इकट्ठा हो गए. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग बस कह रहा हूँ ट्रेन में ऑस्ट्रेलिया के फैंस ज्यादा, हमें लंका के फैन मिल गए और चिट चैट भी होगी और दो तीन लोगों ने टॉन्ट भी मार दिया. तो भाई हमें ये लग रहा है कि आज स्टेडियम में शायद लंका के लोग ज्यादा होने वाले हैं एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलियन. वो देख रहा है वो आर्मी है पूरी लंका के फैंस की, तो ऑस्ट्रेलियन फैंस को आउट क्लास करते हुए लंका के फैन आज. जिनको नाम पता हो वेलकम टू पर्थ लिखा सामने, इसका मतलब है कि पर्थ में और फेवरेट प्लेस पे हम सातवीं बार आ गए हैं, तो मैं तो खुश हुई, मेरा तो मतलब आदत सी हो गई है तो जीने की. तुम्हारा कैसे एक्सप्रेशन देखते बारे में? यू कैन सी वहां पे देख रहे हो लंका की आर्मी से. अपने वाले तो वैसे अपने वाले बंदे मर्चेंडाइज शॉप पे है, तो मर्चेंडाइज शॉप पे चलते हैं और क्या पता कुछ मिल जाए. देखिए लाइक फ्लैग चार चौके छक्के वाले को पोस्टर्स ले लेते हैं. तो भाई ये शॉप देख रहे हो पीछे मर्चेंडाइज शॉप, हम पर स्टेडियम पे जितनी बार भी आए हैं आज तक हमें ऐसी कोई शॉप नहीं दिखी थी. बट इट्स द वर्ल्ड कप नाइट, बट वर्ल्ड कप कितनी एक्साइटेड, मैं इतना जुनून है कि भाई अलग से शॉप डाल रखी है यहाँ पे, आप ऐसी टी शर्ट या फिर कुछ भी चौके छक्के वाले पोस्टर्स कैप इवन बॉटल्स तक बेच रहे हैं, सब ले सकते हैं. बट हमने पहले से लेके आए थे, हम फुली प्रिपेयर्ड हैं, तो अगर आपको लेनी हो कभी किसी ऐसे इवेंट पे तो यहाँ से आके ले सकते हैं. और भी अगर आपको फुल प्राइस पर नहीं लेनी तो मैं भी आजकल सप्लाई कर रहा हूँ जर्सियाँ, मुझे आप इंस्टाग्राम में मैसेज डाल सकते हो तो मैं घर पर होम डिलीवरी करवा दूंगा. बहुत भीड़ है, रश काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा भीड़. तो भाई ने सारे स्पॉन्सर छोड़ के सिर्फ फ्लाई एमिरेट्स कर लिया क्योंकि फ्लाई एमिरेट्स फ्लाई बेटर, आई थिंक ये हमारा नेक्स्ट स्पॉन्सर बन सकते हैं. बट मैंने ये जो चीज है ना इसको ये नहीं रखूंगा इस साइड, ओनली सिक्स चारों में हर मैच में हर बॉल पे. माहौल देखते हैं अंदर का, प्रैक्टिस चल रही है अभी तो.
हम बाय चांस ना पूरे श्रीलंका के सेक्शन में बैठ गए हैं, कैसा लग रहा है? आसपास कोई ऑस्ट्रेलिया का बंदा है ही नहीं। मेरे को डर ये लग रहा है कि जैसे अगर ऑस्ट्रेलिया की साइड से चौके छक्के पड़े पार तो मैं एक्साइटमेंट में खड़े हो जाए, ये सारे के सारे में गाली देने लग गए, बता दे घूरेंगे हमें गलत वे में। बाकी भाई टॉस का टाइम हो गया, टॉस हो रहा सामने। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत के बॉलिंग ले लिया, जैसा हमने दोपहर में आपको जो रिपोर्ट दी थी हमने वेदर की उसमें बताया था बिल्कुल सेम चीज होने वाली है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? आई थिंक मेरी प्रेडिक्शन एकदम ठीक थी जब मैंने बोला था मैच जीत चुके हैं, श्रीलंका वाले के 200 रन और ऑस्ट्रेलिया वाले 200 रन का टारगेट चेस कर लेंगे। श्रीलंका 200 मार दे, ये तो मैं चारों ले सकता हूं, चारों ऐसा ताकि ना एंटरटेनिंग मैच मिले। भाई ये तो ठीक है, टॉस हमारे फेवर में गया, बाकी आगे की रिपोर्ट आगे देंगे। भाई यहाँ सारे लंका के बंदे, कोई ऑस्ट्रेलिया की जर्सी नहीं दिख रही, सामने भी लंका के हैं, राइट में भी लंका के हैं, तो आई थिंक जब ऑस्ट्रेलिया का कुछ बढ़िया हो रहा होगा हम पे अटैक जरूर हो सकता है, बाकी कुछ हो ना हो। हम लोगों ने जितना हमारा यहाँ से इकलौती आवाज आ रही है श्रीलंका का बैट्समैन आउट हो रहा, हम नाच रहे हो यहाँ। तो भाई नेशनल एंथम स्टार्ट होने वाला, बस यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की टीम आएगी, वहाँ लंका की टीम आएगी और हम बिल्कुल प्राइम लोकेशन में देखने के लिए, कैसा लग रहा है? बहुत ज्यादा एक्साइटेड, और यहाँ से ना जो व्यू आ रहा है ना वो हमारी वाली सीट से ज्यादा बेटर था, अगर यहाँ पे कोई बंदा नहीं आया तो यही नहीं टिक जाएंगे। वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन स्पॉन्सर देख रहा है सारे इंडिया के स्पॉन्सर है, MRF बायजूस और चल निशान तो बाहर किया, बट अपने दो स्पॉन्सर बीच में। ये क्यों खिला लिया? वर्ल्ड कप आ चुका है मैदान पे, कैसा लग रहा है? तो अभी जस्ट नेशनल एंथम हुआ दोनों टीम्स के और ऑस्ट्रेलिया की टीम फील्ड पे आ चुकी है, पहली गेंद का इंतजार हो रहा है, बस दो मिनट में हो जाएगी पहली गेंद। पहला ब्रेक थ्रू मिल जाएगा ऑस्ट्रेलिया को दूसरे ओवर में, कैसा कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे फनी चीज भाई बोलते थे वो सेक्शन, वहाँ पे ना सारे के सारे लंका वाले बैठे पड़े, तो एक जो बाउंड्री आई थी ना पहले ओवर में इतना शोर वहीं से आया था ना सिर्फ, और विकेट होती एकदम सन्नाटा, बल वो बैंड बाजा वगैरह लेके आए हुए हैं भाई, मतलब फुल प्रिपरेशन के साथ। भाई श्रीलंका वाले फैंस तो इतना शोर कर रहे हैं भाई, मतलब कांट टेल। भाई मेन बॉलर अब आया बॉलिंग करने चार ओवर के बाद, क्या 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 स्ट्रेटेजी है इसके पीछे? आई थिंक इसके ओवर सेव करना चाह रहे हैं ताकि डेथ ओवर में यही कम रन के साथ विकेट निकाल दें। स्टार्की नहीं दिखी। भाई श्रीलंका के 50 रन हो गए हैं तो तकरीबन 8 ओवर में, काफी स्लो खेल रहे हैं अभी, तो रन बहुत खेल रहे हैं, वनडे वाली बात दे रहे हैं और कुछ नहीं, बोरिंग मैच जा रहा, सही में मजाक नहीं कर रहा।
तो क्या सिचुएशन ठीक हो सकती है अगर ये आपके नेक्स्ट के 10 ओवर में ये मतलब 100 रन और बना दें हो सकता है तो हमें ना मजा अभी आगे देखने में वरना तो फिर फायरवर्क्स नहीं हो पाएंगे वरना इससे बेटर ना मैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाले मैच के हाईलाइट देख लूंगा भाई 10 ओवर हो गए श्रीलंका की बैटिंग के पहले अपडेट है कि बहुत ज्यादा ठंड लग रही है अपने को सबने जैकेट डाल लिया ठीक है दूसरी अपडेट यह है कि भाई मैच में ना फायरवर्क्स हो नहीं पा रहे हैं और काफी स्टैगनेंट मैच जा रहा है तो क्या किया जाए बोल भाई ने मार मार कुछ वैसे तो क्या आया बहुत ज्यादा बोरिंग जा रहा है मैं तो इसको बोल रहा हूँ चौके छक्के मारते तो यहाँ से आग जब निकलते है ना साइड वाले एरिया से हाँ तो हमें थोड़ी हीट आती है बट ये चौके नहीं मार रहे छक्के नहीं मार रहे हीट नहीं आ रही गेम में ही बिल्कुल ठंडक पैदा हो गई है और इससे हमें लग रही है 63-4-1 है 10 ओवर में कितना टारगेट लग रहा है 150 एट मैक्स अनलेस एक्सप्लोड हो जाए ये राइट टाइम एक्सप्लोड हो जाएगा तो तीसरा ब्रेक थ्रू दूसरा ब्रेक थ्रू हो चुका है ऐसी बात है क्या सारे झंडे नीचे हो गए अब भूप बंद हो गए सारे के सारे तो हमने अपना मील मैच खत्म होने से लाइक इनिंग्स खत्म होने से 4 ओवर पहले ले लिया कैसा लग रहा है हंगरी है एम बी है तो कॉम्प्लीमेंट्री अब एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ बाहर तो मैं ना इसी स्टेडियम पे इतने ज्यादा बार आ चुके हैं ना हमें पता है कि सबसे अप्रोप्रिएट टाइम क्या है बाहर जाके फूड लेके आने का क्योंकि अगर हम 4-5 बार ओवर बाद जाते तो लाइन लगती बहुत ज्यादा आ चुके होते हैं तो हम जाते एकदम सही टाइम पे श्रीलंका फैन पागल होते हुए तो काफी बड़ा टारगेट है क्या हम चेस कर पाएंगे आज की डेट में 15 या 16 ओवर तक अंदर मैच ना खत्म हो चुका होगा फर्स्ट हाँ भाई खत्म हो चुका है और मेरे पास तो शब्द नहीं है ना मैं कुछ बोलना चाहूंगा मैं बोलना चाहूंगा भाई अभी तक जितने भी मैच हमने ऑप्टो स्टेडियम में देखे हैं सबसे वन ऑफ द बोरिंग मैच मैं बोलना चाहूंगा क्योंकि ना फायरवर्क्स थे ना एंथुजियाज्म था फैंस जो है वो काफी एंथुजियास्टिक थे बट भाई टीम में इंटेंशन की आज है ही बीमार है तुम्हारे कुछ शब्द है ही नहीं इतना बोरिंग मैच है मेरा तो मन कर रहा है कि घर ऑस्ट्रेलिया जीत तो गई है मैच एक्चुअली घर चले टारगेट है और ऑस्ट्रेलिया का नेट रेट -4 चल रहा था आई थिंक वो टारगेट ही करेगी कि फटाफट मैच रखी करो घर जाओ अपडेट ये है कि ठंड बहुत हो चुकी है शिवरिंग कोल्ड हो चुका है रिग्रेट कर रहे मोटी जैकेट पहन के आनी चाहिए हमें ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज मैदान लेते हुए श्रीलंका के बंदे मैदान लेते हुए श्रीलंका ने पहली विकेट ले ली है काफी बोरिंग प्रदर्शन के बाद और अब आ चुके हैं मिचेल मार्श लोकल गाय बहुत ही बेहतरीन रिव्यू था श्रीलंका का जो वेस्ट हो चुका है बुद्धि में बहुत दे दिए भाई के
तो तुम कहना चाह रहे हो श्रीलंका मैच जीत जाएगी? ये जान मुझे करा उन्होंने, पता कि मैच जा चुका तो किसी टीम पे मेरे चल कर भाई काफी तेज पड़ी है। बस टॉय ने सर मतलब धागे खोल दिए पूरे 47 रन 16 गोल्स स्विच कर दिए क्रिकेट करने तीन तीन रन दिए। तो भाई मैच तो सील हो गया, ऑस्ट्रेलिया की विन डन है पूरी ऑलमोस्ट भाई। 50 रन 17 गेंदों पे कैसा लग रहा है, क्या इनिंग खेली है भाई ने? इतना बोरिंग जा रहा था मैच, इतना एक्साइटिंग हो गया मैच। वही मैच खत्म हो चुका है और जितना बोरिंग मैच स्टार्टिंग में हुआ था उतना ही एक्साइटिंग हुआ था लास्ट में। ऑस्ट्रेलिया ने 16 ओवर में गेम खत्म कर दिया है। मतलब बेसिकली हाईलाइट ऑफ द मैच तो भाई मार्कस टॉयनिस था, 6 छक्के 4 चौके तकरीबन 18 बॉल में भाई ने 53 मार दी, 18 गेंदों में 59। तो मतलब जो हम मिस कर रहे थे एक्शन और हीट वेव जो हमें लास्ट में मिल गई है। शादी की बारात निकले हो भाई। नहीं भाई लेकिन फैंस को पूरा क्रेडिट देना पड़ेगा, काफी एंथुसियाज्म के साथ शूटिंग की है।